आज की पहली न्यूज महिंद्रा XUV300 की ओर से है। इसे महिंद्रा ने 2019 में लॉन्च किया था, उसके बाद इसका कोई फेसलिफ्ट नहीं आया। फिर इसी साल इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन लाया गया। इसकी सेल्स अच्छी खासी हो रही है। हाल ही में महिंद्रा XUV300 का टेस्टिंग के दौरान कुछ स्पैशॉट्स सामने आया है। इसके फ्रंट में एक नया सी शेप्ड का LED DRL दिया गया है, नया बम्पर, बोनेट, ग्रिल और नया अलॉय व्हील दिया गया है। इसके इंटीरियर में एक नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, उसके नीचे AC वेंट्स दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल को रिडिजाइन किया गया है, इसमें पुरानी वाली जनरेशन की इंजन को ही यूज किया गया है। एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। अगली अपडेट भी महिंद्रा की ओर से ही है। थार 5-डोर वर्जन को अनवील कर दिया गया है। इसे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका लुक्स करंट मॉडल थार से ही रिटेन किया गया, वही सर्कुलर हेडलैम्प, सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल, फॉग लैम्प और वर्टिकल टेल लाइट रिटेन किया गया है। साथ ही साथ इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का एम एस्टोलिन पेट्रोल इंजन और एक 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन को हायर स्टेट तक ट्यून करके ऑफर किया जाएगा। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आएगा। इसका लॉन्च मार्च 2024 तक हो सकता है। किया सोनेट के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान स्पाय किया गया है। इसे आने वाले कुछ महीने में रिवील कर दिया जाएगा। इसके स्पाय शॉट्स में कुछ एलिमेंट्स दिख रहा है, जैसे L-शेप्ड LED DRL, रिवाइज्ड हेडलैम्प क्लस्टर, फॉग लाइट, नया डुअल टोन 16-इंच अलॉय व्हील, रूफ रेल्स, LED टेल लाइट। ये सभी एलिमेंट नए किया सेल्टोस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें रिवाइज्ड डैशबोर्ड, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हो सकता है इसमें ADAS भी दिया गया हो, लेकिन इसका कोई डिटेल अभी सामने नहीं आया है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और साथ ही साथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन आएगा। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 8 लाख से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। टाटा नेक्सॉन के फेसलिफ्ट के बाद टाटा मोटर्स अपने पंच EV को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, या टाटा मोटर्स का 5वां इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के दौरान इसे स्पाय किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका चार्जिंग जैक फ्रंट बम्पर की ग्रिल के नीचे दिया गया है। यह 2 बैटरी पैक के साथ आएगा, एक 16.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो 215 किलोमीटर का रेंज देगा और एक 21.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो एक सिंगल चार्ज में 300 से 315 किलोमीटर तक का रेंज देगा। इसमें AC और DC फास्ट चार्जिंग दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। यह AC चार्जर से 8 से 10 घंटे में फुल चार्ज होगा और DC फास्ट चार्जर से 60 से 90 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 9 लाख से 13 लाख रुपए तक हो सकती है।